फिर से स्वागत है आपका साइबर सिटी एक्सप्रेस में। आज हम इसमें बात करेंगे बिजली के पोलों के बारे में, जिनसे की सप्लाई हमारे घरों तक आती है या इंडस्ट्री या कारखानों तक जाती है या बड़ी लाइनें उस पर जाती है। तो हम बात करेंगे आज बिजली के पोलों के बारे में। तो हमें बिजली के जो पोल होते हैं, एक तो लोहे के पोल होते हैं, एक सीमेंट के पोल होते हैं और एक लकड़ी के पोल होते हैं। अब सीमेंट और लोहे के पोल तो आपने देखे होंगे, लकड़ी के पोल पहले गांव में लगते थे और अभी भी कई जगह पे इनका प्रयोग होता है। ऐसे पहाड़ी जगहों पे जहाँ की बहुत ऊंचाई पे गांव होते हैं और वहां सप्लाई पहुंचानी पड़ती है, तो वहां हम लकड़ी के पोलों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीसीसी पोल यानी सीमेंट के जो पोल होते हैं, जो कि हमारे घरों के बाहर या बड़ी लाइनों में हमें दिखाई देते हैं। इसका प्रयोग आजकल बहुत होने लगा है, क्योंकि एक तो ये सस्ते होते हैं, दूसरे इनके फायदे बहुत हैं। आपने देखा होगा कि आपके नजदीक का पोल कब से खड़ा है, कितने सालों से वैसे का वैसा ही है। तो इसीलिए हम सस्ता होने के कारण और मजबूत होने के कारण और हल्का होने के कारण हम इसका प्रयोग करते हैं पीसीसी पोल का। तो आज हम बात इसी पीसीसी पोल के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीसीसी पोल बनता कैसे है। पीसीसी पोल में सीमेंट, रेता, बजरी और जीआई वायर का प्रयोग होता है। इनका एक मिश्रण, एक रेशियो होती है, उस रेशियो को मिलाया जाता है और उस सांचे में डाल के उससे बिजली का पोल बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये पोल जैसा कि आप समझते हो कि बड़ी आसानी से बन जाता होगा, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें शुरू से इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले पीसीसी पोल बनाने के लिए हमारे बोर्ड या निगम इसकी एक ड्राइंग तैयार, हमारे इंजीनियर्स जो होते हैं वो इसकी एक ड्राइंग तैयार करते हैं कि कितना इसका वेट होना चाहिए, कितना इसका टॉप होगा, कितना इसका नीचे का हिस्सा होगा, कितनी इसकी मोटाई होगी और कितनी इसकी चौड़ाई होगी। उसी हिसाब से इसको बनाया जाता है, एक ड्राइंग बनाई जाती है, वो ड्राइंग फिर पास होती है और जब वो पास हो जाती है तो उसके बाद हम इस पोल को बनाने के लिए कंपनियों को टेंडर निकालते हैं। टेंडर उन्हीं कंपनियों को दिया जाता है कि जिनको किसके बारे में नॉलेज होती है या जो अप्रूव होती है निगम से या बोर्ड से। तो जैसे उनके पास टेंडर निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी हमें ठीक लगे, रेट कम लगे या अच्छी क्वालिटी का लगे, तो हम उसी को अप्रूव करते हैं और फिर उसके बाद उनको ड्राइंग दी जाती है कि आपने इस ड्राइंग का पोल तैयार करना है। अब ड्राइंग उनके पास जाती है, वो ड्राइंग को देखते हैं और उसी के हिसाब से इस पोल को बनाते हैं। तो जब ये पोल तैयार हो जाता है हमारा, तो उसके बाद इस पोल की, जब वो हमें बताते हैं कि हमने पोल तैयार कर दिए हैं, तो सबसे पहले हम उनका मटेरियल चेक करते हैं। वहां पे जाके हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो वहां पे जाके मटेरियल को चेक करते हैं कि भाई किस रेशियो में, जो रेशियो हमने इनको दी है उसी रेशियो में इन्होंने मिलाया है कि या कुछ कम किया है। तो उसके बाद जब पोल तैयार हमारा हो जाता है, तो ये पोल एकदम से लाइन में नहीं आता। इस पोल की भी कई टेस्टिंग्स होती है या कई तरह से इसको टेस्ट किया जाता है, जैसे कि उस पर भार डाल के कितने वेट पे ये टूटता है और इसमें कोई केमिकल का असर तो नहीं होता, या इस तरह के, या कौन सा इसके अंदर हमने जीआई वायर डाली है और कितना इसका वेट है, कहीं भारी तो नहीं हो गया। तो अमूमन हमारे तीन पीसीसी पोल, तीन तरह के पीसीसी पोल या तीन लंबाई के पोल, 8 मीटर, 9 मीटर और 11 मीटर। तो 8 मीटर का जो पोल होता है वो हमारे एलटी लाइन में यूज होता है, यानी 440 वोल्ट की लाइन जहां से जाती है उस पर ये इसका प्रयोग करते हैं। और 9 मीटर का पोल भी हम एलटी पे लगाते हैं, लेकिन 9 और 11 मीटर ये पोल एचटी लाइन पे प्रयोग होते हैं। 9 मीटर का पोल तो एलटी पे भी लगा देते हैं जहां पे लाइन हमें ऊंची उठानी पड़ती है, और अमूमन 9 मीटर और 11 मीटर पोल हम एचटी लाइन यानी 11,000 वोल्ट की लाइन पे इसका प्रयोग करते हैं।
तो अब आपको पता लग गया कि इस पोल को 11 मीटर का जो पोल होता है और या 9 मीटर का जो पोल होता है या 8 मीटर का पोल होता है, 8 और 9 मीटर का जो पोल होता है, इसका वेट, इसका वजन लगभग 200 किलो करीब होता है। तो आइए, पोल तो हमारे को पता लग गया, तो उसके बाद जब ये पोल हमारे टेस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद ये पोल हमारे जो स्टोर्स हैं, निगम्स के स्टोर है, उस स्टोरों में जाता है और वहां से हम इसको लाके और लाइन पे लगाते हैं। तो ये तो था इस पोल के बारे में। अब जब ये पोल हमारे पास आता है और हमें इसको कहीं लगाना पड़ता है, तो जहां पर मैदानी इलाका है वहां पे इसको हम खड़ा करने के लिए या तो क्रेन का सहारा लेते हैं, लेकिन हम आज मैं बात उस चीज की करूंगा कि जहां क्रेन नहीं जा सकती या कोई ऐसा इलाका है कि जहां इस तरह की सुविधा नहीं है, तो वहां हम कैसे इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम 5 फुट का एक गड्ढा करते हैं और जब ये 4 फुट हो जाता है तो 4 फुट तक तो इसको इतना ही चौड़ा हम रखेंगे, लेकिन जो 5वां फुट होगा तो इसको हम इतना ही 1 फुट हम इतना छोड़ देते हैं, 1 फुट पे हम इसको, यहां पे ये पोल हमारा खड़ा होगा। तो अब माना हमने इस पे पोल खड़ा करना है, हमारे पास पोल है, ये हमारे पास पोल है, तो इस पोल को, ये हमारा गड्ढा हो गया जिसमें कि हमने पोल को खड़ा करना है और ये हमारा पोल है। तो ऐसी जगह पे जहां पे कि क्रेन की सुविधा नहीं होती, हमें जुगाड़ से ही या जुगाड़ तकनीक से ही इसको खड़ा करना पड़ता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब ये खड्डा हो गया तो हम यहाँ पे एक चैनल लगा देते हैं, एक चैनल को इसमें डाल देते हैं और इस पोल को सरकाते यहां तक ले आते हैं। अब ये चैनल हमने क्यों लगाया, क्योंकि जब ये पोल हम उठाएंगे तो क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है, अगर हम जोर लगाएंगे तो ये पोल ही मिट्टी में धस जाएगा, अगर यहाँ पे चैनल होगा तो ये सीधे इधर को जाएगा, नीचे को इसकी मूवमेंट होगी। तो अब इस पोल को खड़ा करने से पहले हम रस्सी के सहारे इसको यहां तक लाते हैं और जब यहां तक ये पहुंच जाता है, अब ये यहां तक पहुंच गया है पोल, जब यहां तक पोल हमारा पहुंच जाता है तो हम इसके ऊपर 4 रस्सियां हम बांध देते हैं। पहले इसको हमें हाथ से उठाना पड़ता है, यहां से हाथ से हम इसको हाथ लगाएंगे और फिर इसको ऊपर उठाएंगे, तो ये हमारा इतना पोल उठ जाता है, ये पोल हमारा इतना उठ जाएगा। अब इसके बीच में हम एक बल्ली लगा देते हैं, बल्ली या कोई लकड़ी का सिस्टम होता है उसको हम बल्ली कहते हैं, उस बल्ली को हम इसके नीचे रख देंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर उठाना हमारे बस का नहीं होगा और खतरनाक होगा, तो जितना ये उठता है उतना उठा के इसको हम बल्ली के सहारे छोड़ देते हैं। अब हम फ्री हो जाते हैं क्योंकि बल्ली, ये जो हमने सपोर्ट लगाई है, ये सपोर्ट इसका लोड ले लेती है। अब जो हमारे रस्सियां इस पे बंधी हुई है, चार जो रस्सी इस पे बंधी होती है, हम इधर वाली जो होती है रस्सी होती है, यहां पे एक आदमी को भेज देते हैं, एक आदमी यहां पे होगा, एक इधर होगा, एक इस साइड में होगा और एक चौथा यहां पे होगा। अब हम 3 जगह आदमी को भेज के यहां से इसको इधर को खींचते हैं, इधर से इसको जोड़ लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जब बिजली का पोल खड़ा करते हैं तो उनकी एक गोली होती है जोर लगा के हाइशिया, तो क्योंकि उसमें जोर इकट्ठा लगता है और जैसे हम इसको इधर को जोड़ लगाएंगे तो ये पोल हमारा धीरे 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 इधर को आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये पोल यहां सेंटर पे आ जाता है, माना कि ये पोल हमारा यहां आ गया, इस लाइन पे आ गया, सीधा खड़ा हो गया,
तो अब इन रस्से वालों को चौकस होना पड़ता है, क्योंकि पोल कभी इधर को झुकता है। एक बार जैसे हमें सीधा खड़ा होगा तो ये पोल एक बार इधर को झोल लेता है, एक बार इधर को लेता है, एक बार इधर, लेकिन ये रस्से वाले इसका बैलेंस को बनाए रखते हैं, क्योंकि अब चारों तरफ से इसको सपोर्ट मिल रही है तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। जब ये सीधा खड़ा हो जाता है, हम क्या करते हैं, इसमें आधे तक मिट्टी भर देते हैं। जब ये मिट्टी यहां तक भर जाती है, क्योंकि यहां भी इसको सपोर्ट मिल गई, इसीलिए हमने 1 फुट तक इसको इतना ही इसको खोदा, इसको सपोर्ट मिल गई, अब पोल हमारा कहीं नहीं जाएगा। हम धीरे धीरे इन रस्सियों को ढीला करते हैं। जब ये रस्से ढीले हो जाते हैं तो फिर हम लाइन का वो देखते हैं कि लाइन क्या वो सही लगा हुआ है, अगर कहीं तिरछा है या लाइन से थोड़ा हटके है तो हम इसको यहां पे रस्सा बांध के इसको घुमा सकते हैं। जिधर भी हमें ठीक लगे हम उधर घुमा देते हैं और उसके बाद हमारा पोल खड़ा हो जाता है। दोस्तों, कितनी अच्छी टेक्निक हमारी है, लेकिन इस टेक्निक के लिए सावधानी बहुत चाहिए। जो रस्से पे आदमी होते हैं इनको चौकस होना पड़ता है, और इतनी आसानी से ये पोल हमारा खड़ा हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह ये लाइट हमारे घरों तक पहुंचती है और किस तरह से पोल हमारा खड़ा होता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया कि किस तरह से हमारा पोल